उत्तर कोरिया ने कल रात एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि जापान के निकट महासागर में गिरा। जापान के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। इसके मद्देनजर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। अबे ने कहा कि इस घटनाक्रम का तत्काल विश्लेषण कर जापान के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 4 जुलाई को पहले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इस बीच उत्तर कोरिया द्वारा कल किए गए मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भी संयुक्त मिसाइल अभ्यास किया गया।